नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और सबका लगा नए वीडियो टेक्निकल चार्जी पे। जैसा आप देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में स्टोरेज मेमोरी कम होती जा रही है धीरे धीरे। इतनी वीडियो शूट करता हूं, उतनी गेम्स खेलता हूं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स विजिट करनी पड़ती है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, तो धीरे धीरे मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम होने लगी है। अब मैं ना तो कोई ऐप अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, ना ही कोई फोटो डिलीट करना चाहता हूं। इसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। विदाउट डिलीटिंग एनी ऐप या विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन, आप कैसे अपने फ़ोन में सिंपल सी ज़्यादा स्पेस पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है मेरा फ़ोन जिसमें इस वक्त स्पेस की काफ़ी कमी है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पर ऑलमोस्ट 80% तो हिट ही हो चुकी है स्पेस। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि भाई एक्चुअल स्पेस कितनी है। ये देखिए, मैं यहाँ गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 42 GB और अवेलेबल 18 GB की स्पेस अवेलेबल है। अब मैं कोई अपनी फ़ोटो डिलीट नहीं करना चाहता, कोई ऐप डिलीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं डे टू डे टाइम यूज़ करता रहता हूँ। कोई गेम यूज़ डिलीट नहीं करना चाहता, खेलता भी हूँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप जाएँ अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद अब जाएँ ऐप्स में, ऐप्स जहाँ पर आप डे टू डे यूज़ करते हैं, और आपको जानना है कि भाई आप कौन सी ज़्यादा ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादातर आप यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया की, गेमिंग की, यही सारी ऐप्स रहती है। तो ऐप्स में जाएं, आप यहाँ देख सकते हैं रिसेंटली ओपन ऐप्स में नज़र आएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ट्विटर, जीमेल में सबसे ज़्यादा ऐप्स यूज़ होती हैं, और फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह भी काफ़ी यूज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्विटर ऐप पर जाते हैं, और ट्विटर ऐप पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टोरेज एंड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी देख रहे हैं 283 MB की है। तो चलिए हम कैश क्लियर कर देते हैं, स्टोरेज हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिर हमारा यूज़र डेटा भी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 283 MB क्लियर हुई है। अब हम चलते हैं और चीज़ों पे, जीमेल पे जाते हैं। जीमेल पे भी अगर मैं स्टोरेज दिखाऊं तो 57.83 की, चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो मिलेगी हमें किस में? फेसबुक पे। तो चलिए फेसबुक पे चलते हैं नीचे। फेसबुक पे देखिए 1.09 GB की स्टोरेज यूज़ हो रही है, और कैश मेमोरी आप ऑलमोस्ट 504 MB की है। तो चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दी। और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हम क्लियर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे ठीक है, थोड़ी बहुत स्टोरेज होती है, ऑलमोस्ट 71 है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते इसके मामले में, क्योंकि मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, देखते रहता हूँ इन प्रोडक्ट्स के लिए, अपने चैनल के लिए। तो अमेज़ॉन पर भी आप देख सकते हैं कि कैश मेमोरी ऑलमोस्ट 3.0 MB की है। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट मैंने ऑलमोस्ट 1 GB की स्टोरेज मेमोरी ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है। ऐसे इंस्टाग्राम की आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा मिलता है। नॉर्मली अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लियर किया था, तो मेरा इंस्टाग्राम इस वक्त थोड़ा सा आपको कम दिखाएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो। इंस्टाग्राम फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अब भी सिर्फ 2 दिन यूज़ करने के बाद भी 210 MB हो गई, ऑलमोस्ट 2 GB का था, तो ये भी स्टोरेज मैंने क्लियर कर दी है। और अगर मैं और बताऊँ तो आप या तो उसे सॉर्ट कर लें कि भाई कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा है, जैसे मैप्स, यू नो, स्टोरेज हमेशा देखिए कैश इस पर भी इसमें कम रहती है, पर अगर आप ऑफलाइन मैप स्टोर करें तो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो आप या तो उसको सॉर्ट आउट कर लें कि भाई कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा ले रही है, तो उसके हिसाब से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इतना ऑलमोस्ट 1 GB तो हमने क्लियर कर ही लिया है, तो चलिए मैं आपको फाइल मैनेजर में जाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई ऑलमोस्ट कितनी स्पेस क्लियर हुई है। तो ऑलमोस्ट 500 MB के आसपास स्टोरेज थोड़ी क्लियर हो गई है, थोड़ी सी और ज़्यादा हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐप्स में दोबारा जाऊँ और वहाँ पर अगर मैं सॉर्ट करके देखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी ऐप्स हैं कि जो मेरा ज़्यादा टाइम ले रही हैं या फिर ज़्यादा स्टोरेज ले रही हैं। सॉर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। अब मैं बात करूँ ट्विटर की, ट्विटर में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पे फिर भी थोड़ी स्टोरेज कम है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर कैश कर देते हैं। तो ऐसे आपको कैश में भी क्लियर करनी पड़ेगी, सोच सोच के भाई आप कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप देख पाएँ कि भाई अगर कौन सी ऐप्स आप ज़्यादा यूज़ करें या कौन सा आप सॉर्ट आउट कर सकें, तो उसके हिसाब से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप क्लियर स्टोरेज करेंगे तो ये सारा ही आपका यूज़र डेटा वगैरह भी निकाल देगा, जो कि इस टाइम पे मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा यूज़र टाइम ना हो, फिर मैं दोबारा से साइन करने के लिए मुझे सारा टाइम लग जाए। तो ऑलमोस्ट गेम्स में जाकर भी आप कर सकते हो, गेम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, गेम्स में आपको पता ही है कैश मेमोरी में अगर देखेंगे तो आपकी ऐप्स वगैरह भी बीच बीच में आती रहती हैं, वो भी सारी आपकी कैश मेमोरी में जाती हैं। हाँ, एक टाइम थोड़ा सा जब आप दोबारा ओपन करेंगे नेट के थ्रू, थोड़ा सा टाइम लेगा ऐप खोलने में, पर एटलीस्ट ये स्टिल बेटर है कि भाई जब आपकी कैश मेमोरी क्लियर हो रही है और एड्स दोबारा से स्टोर हो जाएंगी, सिस्टम आपका क्लीन हो जाएगा। अब चलते हैं फाइल मैनेजर में दोबारा।
ये देखिए 40.55, कहाँ 42 था और कहाँ 40.55 आ गया। तो ऑलमोस्ट काफ़ी, मतलब आप सोचो 2 GB की इंटरनल स्टोरेज क्लीन हो गई है, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप ऐसी बस कैश मेमोरी क्लियर करते रहे और आपकी स्टोरेज मेमोरी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो फ्री मेमोरी काफ़ी मिल जाएगी आपको, कोई अब सॉन्ग्स डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पिक डिलीट करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन सॉल्यूशन विदाउट एनी ऐप्स डाले हुए, विदाउट एनी कुछ किए हुए, सिर्फ कपल ऑफ स्टेप्स फॉलो करिए और क्लीन मेमोरी पाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हूँ मनीष और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।